महाकाल की नगरी में पहुंच गया हूं मैं और अभी जाऊंगा मंदिर, देखते हैं ऑटो वगैरह कुछ कैसे क्या पता करता हूं यहां पे। पर बड़ा ही अच्छा लगा ये देख के शिवलिंग यहां पे। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं महाकाल की नगरी में उज्जैन में, और दुनिया का समय और हमारे भारत का समय यहीं से चलता है और यहाँ पे सिर्फ महाकाल की जपती है। तो हर महादेव भोलेनाथ की जय हो। तो देखते हैं मंदिर की तरफ चलते हैं और दर्शन करते हैं भोले बाबा के, महाकालेश्वर के। और बाकी यहाँ की एक चीज़ ये और मानी जाती है कि यहाँ पे ना कोई कुंडली ना कोई योग कुछ नहीं चलता, यहाँ पे सिर्फ महाकाल की चलती है। अब अगर आप सच्चे मन से आओगे तो महाकाल आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी कर देते हैं। और मतलब बताया जाता है कि मतलब खासकर मेरे घर वालों ने बताया, मतलब मेरी मम्मी या जितना धार्मिक लोग हैं घर में, तो इसलिए कि महाकाल पे जो लोग आते हैं ना वो भयमुक्त हो जाते हैं। और मतलब ये सब मान्यताएं हैं, बाकी अब जाके पता लगेगा, तो देखते हैं एक्सपीरियंस करते हैं। ये आउटर यहाँ से निकल के मैं ऑटो पकड़ता हूँ। अयोध्या को बुला रहे हो? जब अभी चल, इसी के बाद चल भाई। तो अयोध्या के भाई मिल गए यहाँ पे और अभी देखिए अयोध्या का एक ट्रिप फिक्स, उसके बाद हिमाचल का एक ट्रिप। हाँ हिमाचल का जरूर मैं करवा दूंगा, हिमाचल का उत्तराखंड, आप मेरे पास उत्तराखंड आना। डन डन डन, टेहरी डैम जाना है। आप तो पहले भी आए हो ना यहाँ पे? हाँ मैं 2017 में आया था, उसके पहले बचपन में आया था उज्जैन में बास्केटबॉल खेलने स्टेट लेवल। तो आपको क्या चेंजेस लगे इतने सालों में यहाँ पे? 2017 से कुछ खासा चेंज अभी लगा नहीं है, अब जो कॉरिडोर इन लोग ने बनाया वो देखूंगा तब समझ में आएगा। कॉरिडोर लेकिन रात में देखने लायक। अच्छा, दिन में तो लाइटिंग शो होता है। Exactly. बाकी सारी चीजें सिमिलर है। ये मंदिर है इसी के अंदर है। प्रसाद लेके अब हम जा रहे हैं भोलेनाथ के मंदिर में। चलो मेरे को भी सारा मिल गया, आप लोग मिल गए, अकेला था। महाकाल ने मिला दिया। ये नहीं था ये, अभी बन। तो 2007 तो काफी 17 पूरा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है पूरा, है ना? चेंज हो गया, ये कुछ नहीं था पहले से, बहुत चेंज हो गया सर। कितना साफ है, दिल्ली में देखने नहीं मिलता। दिल्ली में तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, उतना ठग नहीं है जितना होता है यूजुअली हिंदू धर्म स्थानों पे। हाँ मथुरा में है जैसे। अरे मथुरा में, यूपी के बहुत सारे स्थानों में लूट। मेरे घर वाले बताते हैं, मम्मी का असर कि यहाँ की वाइब्रेशन ही अलग है, तो महाकाल की तो यहाँ पे अलग ही वाइब और फुल एनर्जी होगी है। अंकल जी कहाँ रह गए? पिताजी पीछे हैं। डैडी यो कर दो। नया काम चला हुआ है यहाँ पे, घर को ऊपर वाले रास्ते से निकाल दिया था लेकिन हम भी जिद्दी हैं। तो नीचे वाले से आए, जिद्दी हैं। चलो अच्छा है, हमने लौटवा दिया हमें। चलो आप दर्शन करके जाएंगे अच्छे से नजदीक से। Yeah.
भाई, बड़े भाई, आपको दर्शन करने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत शानदार, बहुत अच्छे से हो गए दर्शन। चलो मंदिर के बाहर चलते हैं। काफी चीजें बहुत अच्छी करता है। मैं अकेला आ गया, मेरे को तीन लोग और मिल गए, एक परिवार से वो भी जाके, तो अगली वीडियो आगे कभी जाके भी आएगी। लड्डू भोग प्रसाद भंडार मिलता है, ये जरूर लेके जाए क्योंकि ये लड्डू कहीं और नहीं मिलते। मंदिर से दर्शन करने के बाद अब हम देखते हैं कि कहाँ जाएं। वैसे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, तो एक तो काल भैरव जाएंगे, बाकी अभी एक मंगलनाथ मंदिर में जाते हैं जहाँ पर मंगल जी का मंदिर है एकमात्र पूरे अपने देश में। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं मंगलनाथ मंदिर। अभी मैं भाई से पूछ रहा था कि यहाँ पे जैसे मुस्लिम लोग भी काफी है, तो हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे कैसा है? तो ये बता रहे हैं कि काफी अच्छा तालमेल है, महाकाल की सवारी निकलती है तो वो भी अच्छा स्वागत करते, अच्छा भेदभाव नहीं रखते हैं, जो भी अच्छा है मतलब सभी तरह का जो भी मतलब हो सके सम्मान वैसा सभी करते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब सच्चा है यहाँ? हाँ सच्चा है, ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव नहीं रखते। हाँ तो मतलब कि ये सच्चाई है कि यहाँ पे लोग चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो लेकिन वो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ। तो अच्छी बात है ये, मतलब एक यूनिटी हो रही है तो अच्छी चीज है ना। कई कई जगह तो लड़ाइयाँ होती है, पहले मैंने भी सोचा था कि पता नहीं कैसे लोग होंगे यहाँ पे काफी, बट अब भाई ने खुद बताया क्योंकि भाई भी हिंदू है और हिंदू है तो इस हिसाब से इसलिए रिव्यू दिया, तो सच्चा रिव्यू दिया भाई ने। आपका नाम क्या भाई? विशाल मानी। विशाल मानी। और बाकी आपका रेट कितना है यहाँ पे अगर किसी ने घूमना हो तो? उज्जैन दर्शन हम कराते हैं 500 रुपये। 500 रुपये के सारे मंदिर करवा। विद्या स्थल, यहाँ पे श्री कृष्ण ने और सुदामा जी ने पढ़ाई की थी, संदीपनी आश्रम। भीड़ है यहाँ पे भी काफी है ना। तो अब पहुंच गए अभी मंगलनाथ के मंदिर में। यहाँ पे जैसे जिन लोगों को मांगलिक दोष होता है उनकी पूजा होती है और मंगल ग्रह का एकमात्र मंदिर है। मंगलनाथ जी के भी दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ काल भैरव मंदिर में। जो लोग मेरे को मिले थे महाकालेश्वर वाले वहाँ पे अयोध्या के, तो उन लोगों को यहाँ पूजा करानी है तो वो पूजा करवा रहे हैं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। तो अच्छा लगता है कि अनजान जगह पे कोई लोग मतलब मिलते हैं, और बहुत अच्छे लोग मिले मेरे को मतलब अयोध्या के। तो शुभम भाई हंसकर और मज़ा आया उनके साथ। अब चलते हैं अगली जगह पे। तो जय मंगलनाथ भगवान की, एकमात्र मंदिर है इंडिया में। मंगलनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ काल भैरव, और यहाँ से वो 2 किलोमीटर है तो मैंने ऑटो
बहुत टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ तो, है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा लग रहा है महाकालेश्वर मेरे, वैसे ही काल भैरव में बहुत टूरिस्ट है। तो मैं पहुँच गया हूँ अभी काल भैरव मंदिर के पास, अभी देखते हैं मंदिर कहाँ है, मतलब उसके बाहर आउटर पे हूँ, काफ़ी भीड़ लग रही है यहाँ पे। आप लोग आए तो सबसे पहले इसी मंदिर में आए और उसके बाद महाकालेश्वर जाए, क्योंकि काल भैरव सेनापति हैं यहाँ के और महाकाल राजा है, सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी लग रही है, काफ़ी भीड़ है और मज़ा आ रहा है। और अब जा रहे हैं सुन्नतों के लिए धागे बांधने के जाते हैं यहाँ पे। तो काल भैरव जी के भी दर्शन हो गए, पर बड़ी मुश्किल से, सबसे ज़्यादा भीड़ी थी मंदिर में थी,